अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक जॉय ऑफ लाइफ विद नाजिया मसरी। आई होप ऑल ऑफ़ यू परफेक्टली फाइन शाइन बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह। सो व्यूअर्स, आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मज़ेदार सी क्रिस्पी कीमा कचौरी। चले व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपने कीमा कचौरी बनाना। सबसे पहले कीमा रेडी करना है। कोशिश करें कीमे को कम से कम ऑयल में पकाएं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा। 20 टू 30 सेकंड तक लहसुन अदरक और ज़ीरे को पकाने के बाद इसमें कीमा शामिल करना है। ये मैंने बारीक मशीन का कीमा लिया है जो 200 ग्राम है। सॉल्ट लाइक टू टेस्ट ऐड करें। 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप पानी ऐड करें। रिवर्स 10 टू 15 मिनट्स में कीमा हमारा टेंडर हो जाता है तो मैं इसे कवर कर रही हूँ। व्यूअर, एज यू कैन सी मेरा कीमा टेंडर हो गया है। आपने भी इसी तरह इतना ही ड्राई कीमा रखना है। एक प्याली प्याज बारीक चॉप की हुई भरकर, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1/2 प्याली हरा धनिया शामिल करें। प्याज और कीमे को मीडियम फ्लेम में इतनी देर तक पकाएं कि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। कीमा ऑलमोस्ट हमारा डन है। अब हम कीमा कचौरी के डो रेडी करते हैं। ये 1/2 किलो मैदा लिया है जिसमें आप सॉल्ट लाइक टू टेस्ट ऐड करें। अपने कीमा कचौरी की डो को सॉफ्ट बनाने के लिए घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है। मैदा, घी, सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी ऐड करें। कीमा कचौरी की डो को ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना सॉफ्ट रखना है। डो भी रेडी हो गई है हमारी कीमा कचौरी की और कीमा भी रेडी है। चलिए अब हम बनाते हैं अपने कीमा कचौरी को। किस तरह से बनाना है, कीमे की किस तरह से स्टफिंग करनी है। एक नॉर्मल रोटी बेल लेने के बाद उस पर 1 टीस्पून घी अच्छी तरह से फैला दें। घी फैलाने के बाद थोड़ा सा उस पर खुश्क आटा डालें। दोनों साइड्स को फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करें। इसी तरह से सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी पेड़े की लेयर्स इसी तरह बन जाएंगी।
अब कीमे की स्टफिंग करते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गरम करने के बाद अपनी कचौरियाँ डालें और फ्लेम को हाफ से भी कम कर दें। ड्यूरिंग फ्राइंग आपने बार बार फ्लिप नहीं करनी है। कचौरियों को अच्छी तरह से फ्राई होने में 25 टू 30 मिनट्स लगते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।